ना कोई जीता ना कोई हारा की थीम पर राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च को लगने जा रही है। इस लोक अदालत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा राजीनामे के केस को निपटाया जाएगा और केस को नत्थीबंद भी किया जा रहा है और आम जनता से अपील भी बार बार की जा रही है। एडीआर सेंटर के सचिव का इस लोक अदालत के बारे में क्या कहना है वह भी आपको सुनाते हैं, सुनिए। हम लोगों ने इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में जुडिशियल मैटर्स के अलावा रेवेन्यू मैटर्स को भी रखा है। हमारे पास जो पेंडेंसी है ज़िले की जुडिशियल कोर्ट्स में 44,000 के करीब है, जबकि 15,500 रेवेन्यू कोर्ट्स में पेंडेंसी है। इसका 10% हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, रेफर कर लिया है। तो लोक अदालत में इस स्टेज में तकरीबन 6,000 के पास मुकदमे अभी हम रेफर कर चुके हैं। हम लोगों का प्रयास है कि जो राजीनामा योग्य प्रकरण है उसमें हम समझाइश करते हुए पक्षकारान को राजीनामा की ओर प्रेरित करें ताकि मैक्सिमम डिस्पोजल हो सके और हमारी जो कोर्ट्स हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स और जुडिशियल कोर्ट्स जो क्लॉग्ड हैं, वो अब अपना टाइम उन मुकदमों की तरफ दे पाएंगी जिसमें ज़्यादा सीरियस नेचर के मुकदमे पेंडिंग है कोर्ट्स में। तो आप सभी से गुजारिश है कि हमारा जो मैसेज है लोक अदालत का, जिसके तहत ना कोई जीता ना कोई हारा जो हमारा नारा है, वो आप आम जन तक पहुंचाएं। राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव के द्वारा आम जनता से क्या अपील की गई है और क्या इस लोक अदालत के अंदर हमारे को सहयोग करना है उसके बारे में क्या कहा है, सुनिए। मैं ये अपील करना चाहती हूँ कि अगर हम राजीनामा के माध्यम से अपने केस का निस्तारण कराते हैं तो हम देश की तरक्की में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं। जो हमारी रिसोर्सेज हैं, देश के जो संसाधन हैं, जो मुकदमेबाजी की वजह से एक तरफ वेस्ट हो रहे हैं, जो खर्चा आम पक्षकार का लग रहा है या उसका टाइम ख़राब हो रहा है, वो मानसिक परेशानी में है, अगर उसको हम पॉजिटिव वे में चैनलाइज कर पाएँ तो अपना देश और प्रगति कर पाएगा। सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय, कोर्ट फीस की वापसी और वाद का अंतिम निपटारा, यही है लोक अदालत का नारा। अपने राजीनामा योग्य प्री लिटिगेशन या लंबित दांडिक शमनीय सिविल चेक अनादरण, ऋण वसूली, मोटर एक्सीडेंट क्लेम, पारिवारिक विवाद, रेवेन्यू मामले या राजीनामा योग्य किसी भी मामले को 12 मार्च को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में आइए और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाने का प्रयास करिए। कलम न्यूज के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की खास रिपोर्ट।